नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के लगभग सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड सरकार की ओर से एक बड़ा बयान, झारखंड में सभी युवाओं को नौकरी देना संभव नहीं, कहे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार राज्य में बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं को 50,000 से 25 लाख रुपए तक स्वरोजगार के लिए ऋण देने की तैयारी कर रही है। झारखंड में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% नौकरी देने के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक और बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि झारखंड के सभी युवाओं को नौकरी देना संभव नहीं है, सरकार इन बेरोजगारी युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में काम कर रही है। सीएम ने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार सस्ती दरों पर ऋण मुहैया कराने की योजना पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रोजगार के मामले पर केंद्र सरकार के ऊपर हमला करते हुए किसान आंदोलन पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने खुद को एकलव्य का वंशज भी बताया। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मोहन शक्ति लेकर बाहर आते हैं, कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन हम उनकी चतुराई को पहचानते हैं। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र शनिवार से डाउनलोड नहीं हो रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। राज्य के कुछ जिलों द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारण की जानकारी अब तक जैक को नहीं भेजी गई है, इससे प्रवेश पत्र तैयार नहीं हो सका है। आपको बता दें कि पहले 20 मार्च से मैट्रिक का प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की घोषणा की गई थी। झारखंड अधिविद परिषद यानी कि जैक द्वारा पहले यह जानकारी दी गई थी कि झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 20 मार्च से डाउनलोड किया जा सकेगा, लेकिन 20 मार्च से ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा नई तारीख की घोषणा अब जल्द ही करेगी। झारखंड की पंचायतों में कोरोना का विशेष टीकाकरण अभियान शुरू। झारखंड में पंचायत स्तर पर कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान शनिवार से शुरू हो गया। यह अभियान 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 20 और 21 मार्च को, दूसरा चरण 23 और 24 मार्च को और तीसरा चरण 26 से 27 मार्च तक चलेगा। होली से पहले 3 चरणों में ये विशेष टीकाकरण अभियान पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 1.5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए हर पंचायत भवन में एक टीकाकरण केंद्र बनाया जाएगा। इस विशेष टीकाकरण अभियान की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने हर जिले में 3-3 विशेषज्ञों की टीम भेजी है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में होगी वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति। राजभवन सचिवालय ने राज्य के विश्वविद्यालयों में वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने जहां वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर दी है, वहीं इन पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जिन विश्वविद्यालयों में वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति होगी उनमें रांची विश्वविद्यालय रांची, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग, सिधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, पलामू कोलाहान विश्वविद्यालय चाईबासा तथा विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद शामिल हैं। राजभवन सचिवालय में इन पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से 23 अप्रैल शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला रखेगी राज्य सरकार। पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप के सवाल पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बीते शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में बजट सत्र में चर्चा के दौरान गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि आगामी अक्टूबर माह 2021 में राज्य सरकार की ओर से गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज की आधारशिला रखी जाएगी। इसके लिए सरकार ने जिला प्रशासन से जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया है। बीते दिनों पोड़ैयाहाट अंचल की नौडीहा पंचायत के महाड़ा मैदान में अंचलाधिकारी मंटू इग्नासियस बास्की की ओर से अंचल टीम के साथ वहां 50 बीघा सरकारी जमीन का सर्वेक्षण किया गया था। खबर है झारखंड के साहिबगंज से। ग्राम प्रधानों को मिले उचित हक। साहिबगंज के भोगनाडी के ग्राम संसद भवन में शनिवार को दिसम मांझी परगना जागरूक संगठन समिति की बैठक हुई। अध्यक्षता जिला अध्यक्ष लिच्छू मुर्मू ने की। इसमें डिजैन सोरेन ने कहा कि ग्राम सभा को सख्ती से लागू किया जाए जिससे गांव का विकास समुचित रूप से हो सके। कहा कि सरकार ग्राम प्रधानों को उसका उचित हक दे। जिला अध्यक्ष लिच्छू मुर्मू ने कहा कि कोई भी योजना बिना ग्राम सभा के पारित नहीं होनी चाहिए। सभी ग्राम प्रधानों ने कहा कि ग्राम प्रधानों को गांव के विकास के लिए राशि भी दी जाए। बैठक में कई ग्राम प्रधानों ने क्षेत्र में चल रही विकास योजनाओं में उपेक्षा का आरोप भी लगाया तथा कहा कि बिना ग्राम प्रधानों की सहमति से ही कार्य किया जा रहा है। झरिया सोरेन, मार्टिन सोरेन, विजय बास्कुई, रवि महेमरम, मंडल मुर्मू ने भी अपनी अपनी बात रखी। मंच संचालन तलबड़िया के ग्राम प्रधान बेटका मुर्मू ने किया। इसमें साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका आदि जिलों के प्रधान शामिल हुए।
खबर है झारखंड के पाकुड़ से। बिना मास्क पकड़े जाने पर होगी कार्रवाई। बिना मास्क लगाकर चलने वाले लोग सावधान हो जाएं, बिना मास्क के पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह नसीहत शनिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महेशपुर में बीडीओ उमेश मंडल ने बीएलटीएफ की बैठक में दी। बैठक में मुख्य रूप से कोविड 19 टीकाकरण कार्य को लेकर चर्चा की गई। साथ ही 21 मार्च को प्रखंड के 4 जगहों पर होने वाले कोरोना जांच शिविर पर भी चर्चा की गई। बैठक में मास्क का उपयोग निश्चित रूप से करने को लेकर चलाए जा रहे सघन अभियान को लेकर चर्चा कर कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। कहा कि ग्रामीणों को मास्क लगाने को लेकर जागरूक करें, उन्हें बताएं कि कोरोना का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। कई शहरों में कोरोना का प्रभाव काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसको देखते हुए अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। लोगों को यह भी जानकारी देने की बिना मास्क के पकड़े जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जुर्माना किया जाएगा। खबर है झारखंड के देवघर से। सोलर प्लांट से बिजली और पुनासी से मिलेगा पानी। देवघर हवाई अड्डा निर्माण कार्य की समीक्षा शनिवार को निर्माण अधीन हवाई अड्डा के प्रोजेक्ट भवन में हुई। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि एटीसी बिल्डिंग का कार्य जल्द पूरा करें, बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सोलर प्लांट लगाएं और आसपास के पेड़ों की छटाई जल्द करें। परिसर में पानी के इंतजाम के लिए पुनासी जलापूर्ति परियोजना से एयरपोर्ट परिसर को जोड़ने के कार्य में भी तेजी लाएं। उपायुक्त ने कहा कि एयरपोर्ट के आसपास मकान बनाने के लिए एनओसी लेने की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के मकसद से सिंगल विंडो सिस्टम को डेवलप करें, ताकि एनओसी लेने में लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आरक्षण सीमा को बढ़ाएगी झारखंड सरकार। नौकरी को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का मास्टर प्लान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पूर्व भी कई राज्यों ने आरक्षण सीमा बढ़ाई है, लेकिन उस पर अदालतों से रोक लगी है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों से इस संबंध में जानकारी मांगी है। झारखंड सरकार ने तय किया है कि आरक्षण सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को जानकारी देंगे। श्री सोरेन शुक्रवार को सदन में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग सहित कई विभागों की अनुदान मांग पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे कर दिया। खबर है झारखंड के रांची से। सीएम हेमंत सोरेन बोले, शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए सबका सहयोग जरूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य को आगे ले जाने के लिए हम सभी के कंधों पर अभी बड़ी जिम्मेदारी है। काफी जदोजहद के बाद राज्य का निर्माण हुआ है। झारखंड के संस्कृति, शिक्षा सहित लोगों की सभी अपेक्षाओं को मजबूती प्रदान करना हम सभी का कर्तव्य है। इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हम नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका प्रतिबद्धता के साथ निभाने के लिए सदैव प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार लगातार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। आप सभी के सहयोग के साथ सरकार लंबे समय की कार्य योजना शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कार्य करेगी। वे शनिवार को रांची स्थित सोशल डेवलपमेंट सेंटर सभागार में आदिवासियों एवं दलितों की शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां और संभावनाओं विषय पर आयोजित दो दिवसीय सेमिनार सह कार्यशाला में बोल रहे थे। खबर है झारखंड के धनबाद से। एक बड़ा ही मजेदार खबर सामने खुलकर आया है। छक्का मारने की कोशिश में सीएम के हाथों कट एंड बोल्ड हुए पूर्णिमा। झरिया के विधायक पूर्णिमा नीरज जी सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती है। वह अपनी हर राजनीतिक गतिविधियों को ट्विटर पर शेयर भी करती है। दो दिन पहले रांची में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बाद विधायकों ने क्रिकेट खेला। इस मैत्री क्रिकेट मैच को खेलने के लिए विधायकों की दो टीम बनी थी, मुख्यमंत्री एकादश और अध्यक्ष एकादश। इसमें पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों ने भाग लिया। इसमें उस समय माहौल और मस्ती भरा बन गया जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गेंद पर झरिया विधायक पूर्णिमा सिंह ने शॉट लगाया, लेकिन सीएम भी कहां कम थे, उछल कर कैच लपक लिया। मुख्यमंत्री ने कट एंड बॉल कर दिया। इसका वीडियो पूर्णिमा नीरज सिंह ने ट्विटर पर शेयर कर दिया। अब इसे लोग लाइक भी कर रहे हैं और दोस्तों को शेयर भी कर रहे हैं। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में 20 और 21 मार्च को मौसम का मिजाज फिर से बदलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान आंधी बारिश के साथ वज्रपात से सावधानी बरतने को भी कहा गया है। इसके ठीक बाद 24 और 25 मार्च को भी आबोहवा में बदलाव का अनुमान है। मौसम में होने वाले बदलाव का असर पूरे झारखंड के कई जिलों में दिख सकता है। हालांकि मौसम विभाग ने इस साल गर्मी अधिक पड़ने और बारिश कम होने का अनुमान भी जताया है। राज्य में 60% तक सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद की माने तो पिछले साल फरवरी से ही मौसम ने करवट ले लिया था। प्री मॉनसून के बारिश काफी अच्छी रही थी, बाद में लॉकडाउन का भी असर मौसम पर दिखा। पर्यावरण पर कई अनुकूल प्रभाव पड़े, जिससे कई दशक पहले जैसी स्थिति बन गई थी। अब साल दर साल गर्मी बढ़ रही है, इस साल भी इसका असर दिखेगा।
प्यारे दर्शकों, गोटा झार न्यूज को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हर एक दिन का खबर सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।